गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द थ्री सिटीज ऑफ मेडिवियल पीरियड. फर्स्ट वन इज हम्पी, अ ग्रैंड कैपिटल सिटी, कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर. बेटा, हम्पी जो था, जो सिटी थी, वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी. ये क्या है, हम्पी वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन द नॉर्दर्न कर्नाटका. नॉर्दर्न कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे बनी हुई सिटी है और ये विजयनगर की जो है वो कैपिटल है. फॉरेन अकाउंट्स ऑफ द सिटी, फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक निकोल कॉन्टी, अब्दुल रजाक एंड डोमिंगो Describe the city as well fortified with a distinctive architecture. अब foreigners जो थे बेटा, कुछ foreign travelers आए थे यहाँ पे, उन्होंने इस city की जो architecture है उसके बारे में बहुत explain किया था कि architecture जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है. Next is architecture. The building had splendid arches, domes and pillared halls. Hall जो है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था, पिलर्स वगैरह लगे हुए थे उसमें. और बेटा, जो वहाँ पे जो गार्डन्स थे, बगीचे थे, वो बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए गए थे. टेम्पल्स इन द सिटी इंक्लूडिंग द विठल स्वामी एंड विरूपक्ष टेम्पल्स. The temples were the hub of cultural activities and devdasis, that is temple dancers who performed before the deity, the royalty and the masses. अब जो बेटा वहाँ पे दो टेम्पल बने हुए थे और जो मतलब उन टेम्पल्स को हम कल्चरल हब बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी. देवदासेस वो होती थी बेटा जो डिवोटीज होती थी डाइटीज की, वो उनके आगे मतलब हम कह सकते हैं कि डांस परफॉर्म करती थी. द रिमेन्स ऑफ रॉज ऑफ शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड लीडिंग टू वृक्ष टेम्पल सजेस्ट दैट द टेम्पल वॉज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एज वेल. अब जो विरूपक्ष टेम्पल था बेटा, उसके आसपास जो थी वो शॉप्स वगैरह बनी हुई थी एक साइड पे, जो ये शो करती थी कि ये वाला जो टेम्पल था वो सेंटर ऑफ कॉमर्स भी था. मतलब आसपास शॉप्स लगती थी तो लोग वहाँ से सामान वगैरह खरीदते थे. नेक्स्ट इज इरिगेशन. ऑल द किंग्स ऑफ विजयनगर स्पेशली कृष्णदेवा राय placed great importance in constructing huge tanks and other irrigational channels. अब बेटा जो बहुत सारे मतलब वहाँ पे राजा थे तो अब, लेकिन जो कृष्णदेवा रॉय था उसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसने बहुत सारे वर्क करवाए थे कंस्ट्रक्शन के. वहाँ पे टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया था, इरीगेशन चैनल्स बनवाए थे. अकॉर्डिंग टू अब्दुल रजाक, अ ह्यूज टैंक वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज मेजन्स. एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था जो पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाल से आए थे जो मेजन्स मिस्त्री जो थे उन्होंने बनाया था. डोमिंगो पायस हु विजिटेड अराउंड 1520 CE रोट अबाउट अ ह्यूज टैंक दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द माउथ ऑफ टू हिल्स विच यूज मैनी स्लाइस एंड पाइप्स टू ब्रिंग वाटर टू सिटी नगालापुरा. अब जो डोमिंगो था बेटा, वो 1520 के अंदर यहाँ पे आया. उसने ये टैंक के बारे में राइट किया, उसने ये बताया कि जो टैंक था वो टू हिल्स के माउथ पे बना हुआ था और इसके अंदर बहुत सारी पाइप्स निकाली गई थी जो पूरी सिटी को वाटर जो थी वो सप्लाई करती थी. द पीपल ऑफ विजयनगर यूज्ड दिस वाटर टू इरीगेट देयर गार्डन्स एंड रिच फील्ड्स. विजयनगर के जो लोग थे वो ये वाला जो वाटर था वो अपने गार्डन्स को देने में यूज़ करते थे, राइस फील्ड के लिए यूज़ करते थे. देयर आर बिलीव्ड टू हैव बीन थ्री टाइप्स ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन द विजयनगर एम्पायर. ये बताया जाता है कि मतलब वहाँ पे तीन तरह की जो फैसिलिटी थी इरीगेशन की वो थ्री टाइप्स की थी बेटा. वाटर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ टैंक्स, वाटर जो था स्टोर कर लिया जाता था टैंक्स की फॉर्म में. चैनलाइजिंग ऑफ रिवर वर्क्स थ्रू कैनाल्स एंड डाइवर्जन डैम्स एंड वेल्स.
कैनाल्स के थ्रू जो था वो रिवर में किया जाता था वाटर, एंड डाइवर्जन डैम्स एंड वेल्स, और डैम्स और वेल्स भी बनाए गए थे उनके लिए। सेंटर्स ऑफ ट्रेड, विजय नगर इंजॉयड वॉल्यूमलाइज मैरी टाइम ट्रेड विथ सेवरल कंट्रीज एंड रीजन सच एज पर्सिया, अरेबिया, अफ्रीका, द मलयान, आर्चिपेलागो, बर्मा, चाइना एंड न्यूमरस आइलैंड इन द इंडियन ओशन। जो बेटा विजयनगर था उसने जो ट्रेड था वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ किया था। हम्पी कंट्रोल्ड द इंटरनल ट्रेड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। हम्पी जो था वो जो सिटी के अंदर जो ट्रेड होता था उसको कंट्रोल करता था, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्रिंसिपैलिटीज अलोंग द मालाबार कोस्ट। लेकिन मालाबार जो कोस्ट थी उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए थे, कुछ रूल्स डिसाइड किए गए थे। तो बेटा नेक्स्ट इज मौसलीपट्टनम रीचिंग आउट ओवरसीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाउन। मौसलीपट्टनम को बेटा मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ये कोरोमंडल आंध्र प्रदेश के अंदर कोरोमंडल कोस्ट में सिचुएटेड है। इसको 14th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स ने फाउंड किया था। अ ट्रेड टाउन, द टाउन बिकेम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द डच, इंग्लिश एंड द फ्रेंच। ये बेटा ये टाउन जो था वो सेंटर बना इंटरनेशनल ट्रेड का, डच के लिए, इंग्लिश पीपल के लिए और फ्रेंच के लिए। स्टार्टिंग में मौसलीपट्टनम जो था उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड मलेशिया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सी लिंक विद अरब कंट्रीज़। अब सी लिंक जो था इसका अरब कंट्रीज़ के साथ, उसने बेटा यहाँ के ट्रेड को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दी और इसको एक पोर्ट टाउन बना दिया। मतलब यहाँ पे जो शिप्स वगैरह हैं, जो सीज़ वगैरह में चलती हैं, उसके थ्रू यहाँ पे ट्रेड होने लगा। वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज, वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे बेटा वीविंग और डाइंग का काम जो था वो भी बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुआ। यहाँ का बेटा एक कलमकारी टेक्सटाइल प्रिंट जो था वो बहुत फेमस हुआ, जो एक पेन के थ्रू जो था वो कपड़े पर किया जाता था। कलमकारी क्लोथ हैड अ रेडी मार्केट ऑफ वेस्ट एशिया एंड यूरोप। और जो ये कलमकारी जो कपड़ा था वो सेल वेस्ट एशिया और यूरोप जो थे वो इसकी मार्केट बनी। सूरत हैड सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक द कस्टम हाउस। यहाँ पे बेटा कुछ कस्टम हाउस बने हुए थे, इम्पीरियल मिंट्स बने हुए थे। कस्टम हाउस के अंदर क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे वो अपना टैक्स पे करते थे। और इम्पीरियल हाउसेस में क्या होता था बेटा, कि जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे बेटा, वो फॉरेन कंट्री से जो आते थे, फॉरेन ट्रेडर्स जो होते थे, गेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर, वो अपना गोल्ड और सिल्वर जो था वो एक्सचेंज करवा कर कॉइन्स ले लेते थे। अंडर यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस द पोर्तुगीज वर द मास्टर्स ऑफ सूरत ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। जो पोर्तुगीज थे बेटा वो 16th सेंचुरी के एंड तक जो थे बेटा, वो कह सकते हैं कि वहाँ पे पोर्तुगीज का ही रूल था सूरत पर। लेटर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट ट्रेड ट्रेनिस्ट पॉइंट। उसके बाद जो थे वो इंडिया कंपनी आई जिसने इसको एक ट्रेड हब बना लिया। इन 1612 द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड पोर्तुगीज नेवल सुप्रीमेसी एंड ऑब्टेंड एन इम्पीरियल फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू एस्टेब्लिश अ ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्री एट सूरत। अब 1612 के अंदर ब्रिटिश जो आए बेटा उन्होंने पोर्तुगीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया। और एक जो जहाँ वहाँ का रूलर था मुगल रूलर जहांगीर, उससे उन्होंने परमिशन ले ली वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाने के लिए।
मीनिंग इसका ये है बेटा कि मतलब धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, अपना धीरे धीरे अपना रूल वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था उन्होंने करना। नेक्स्ट इज डिक्लाइन। अब यहाँ पे सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के एंड तक जो सूरत था वो एकदम बिखरना स्टार्ट हो गया था। वैन द मराठा लीडर शिवाजी, जब मराठा रूलर जो शिवाजी थे उन्होंने इसको 1664 में लूट लिया था। द मुगल एम्पायर लॉस्ट कंट्रोल ओवर इट्स मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। जो मुगल एम्पायर था बेटा उसने अपना जो कंट्रोल था पूरी तरह से इसके ऊपर से खो दिया था। सेंसिंग द वीकनेस ऑफ द मुगल पावर द इंग्लिश शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स टू कैम्बे। अब इसके बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपना अब मुगल पावर जो थी बेटा यहाँ पे वीक हो गई थी, इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना हेडक्वार्टर कैम्बे में शिफ्ट कर लिया था। सूरत वॉज फाइनली टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन 1759 CE। अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर 1759 के अंदर जो सूरत था वो पूरी तरह से इनके अंडर आ गया था, उन्होंने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था।